Chucky B. iQOO Neo 7 जो कल ही लॉन्च हुआ है, Samsung E5 फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले, फ्लेक्सिप प्रोसेसर, इंडिपेंडेंट प्रो प्लस डिस्प्ले चिप, फ्लेक्सिप कैमरा, ह्यूज बैटरी, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं iQOO Neo 7 ज्योमेट्रिक ब्लैक कलर का अनबॉक्सिंग एंड इन डेप्थ रिव्यू बताने वाला हूँ जो कल ही लॉन्च हुआ है, जो फीचर लोडेड फोन है और इस फोन को गेमिंग फोन बनाने की कोशिश की गई है। इवन गेमिंग के लिए कई सारी एक्सेसरीज भी फोन के साथ में लॉन्च की गई है, जो आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। और जैसे कि आपको पता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला कि वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले iQOO Neo 7 के अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं। तो ये है iQOO Neo 7 का ब्लैक कलर में बॉक्स। बॉक्स के ऊपर फोन की ब्रांडिंग मिल जाती है। बॉक्स के प्लास्टिक रैप को कट कर लेते हैं और लीड को ओपन कर लेते हैं, सबसे पहले फोन ही देखने को मिल जाता है और ये है ट्रांसपेरेंट केस। ये 120 वोल्ट का पावर एडाप्टर जो टाइप सी के आउटपुट के साथ आता है और पीडी चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी आपके पास टाइप सी वाले लैपटॉप या तो फिर टैबलेट है तो इस एडाप्टर से आप दोनों को चार्ज कर सकते हैं। और आखिरी में टाइप सी टू सी केबल मिल जाता है। बस बॉक्स में यही सब कुछ मिल जाता है। फोन के प्लास्टिक को रिमूव कर लेते हैं और बात करते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड की। इस बार फोन में तीन कलर्स मिल जाते हैं, ज्योमेट्रिक ब्लैक, इंप्रेशन ब्लू एंड पॉप ऑरेंज। और ये ज्योमेट्रिक ब्लैक कलर है, वैसे नेम ब्लैक कलर है लेकिन लुक में डार्क ब्लू कलर जैसा देखने को मिलता है। और इस वेरियंट में बैक एजी ग्लास का बना है। बैक यहाँ पे 3D मिल जाता है, लाइट के रिफ्लेक्शन से डेजलिंग इफेक्ट देखने को मिल जाती है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। बाकी दो कलर्स यानी इंप्रेशन ब्लू एंड ऑरेंज प्लेन लेदर बैक के साथ आते हैं। iQOO 7 की डिजाइन देखे तो iQOO 6 सीरीज जैसी ही देखने को मिल जाती है। कैमरा मॉड्यूल की डिजाइन भी सेम ही देखने को मिल जाती है, बस लेंस का प्लेसमेंट थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल देखे तो क्लाउड डिजाइन के साथ आता है और iQOO ने इस डिजाइन को फ्यूचरिस्टिक रिट्रोइज्म नेम दिया है। कैमरा मॉड्यूल में ब्रांडिंग के टेक्स्ट भी मिल जाते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग लाइटिंग कंडीशन में ही देखने को मिलते हैं। कैमरा मॉड्यूल में मेन पार्ट में मेन एंड अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाते हैं जो डेकोरेटिव रिंग के साथ आते हैं, लेकिन वो रिंग भी स्ट्रॉन्ग लाइट कंडीशन में ही देखने को मिलती है। तो मॉड्यूल की डिजाइन काफी डिफरेंट देखने को मिल जाती है। फोन में प्लेसमेंट देखे तो राइट में वॉल्यूम रोकर और पावर बटन मिल जाता है। टॉप में सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन मिक और आयर ब्लास्टर मिल जाता है। बॉटम में ड्यूल सिम ट्रे, प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाता है। फोन की थिकनेस करीब 8.5 mm की है और वेट करीब 202 grams का है। हाँ, प्लेन लेदर वेरियंट इसके कम्पेयर में हल्का है। फोन की फ्रेम इस बार भी प्लास्टिक की मिल जाती है लेकिन डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है ये प्लास्टिक है या मेटल, क्योंकि फ्रेम के ऊपर जो पॉलिश है वो मेटल जैसा लगता है। ऑल ओवर फोन की फील एंड लुक काफी अच्छा मिल जाता है। फोन में डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंच की Samsung E5 फ्लेक्सिबल स्ट्रेट स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है और सेल्फी के लिए सेंट्रल पंच होल मिल जाता है। टॉप एंड साइड बेजल्स काफी पतली मिल जाती है लेकिन चीन स्लाइटली बड़ी दी गई है, लेकिन ऑल ओवर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ज्यादा मिलता है। डिस्प्ले में मोस्ट एडवांस ल्यूमिनेसेंट मटेरियल का यूज हुआ है और इसका एडवांटेज ये है कि 1500 निट्स तक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो सनलाइट में विजिबिलिटी काफी अच्छी मिलेगी, यानी हायर ब्राइटनेस और हायर कॉन्ट्रास्ट मिलेगा लेकिन पावर कंजम्पशन कम होगा। बाकी डिस्प्ले में रिजोल्यूशन फुल एच डी प्लस मिल जाता है, 4 स्पीड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाती है और 360 हर्ट्ज का 2 finger टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है। डिस्प्ले में HDR 10 प्लस सर्टिफिकेशन और SCS आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन भी मिल जाते हैं, तो डिस्प्ले तो यहाँ पे फ्लेक्सी भी मिलती है। iQOO Neo 7 में परफॉर्मेंस की बात करें तो Dimensity 9000 प्लस ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है जो TSMC के 4 nanometer फेब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। मैक्स क्लॉक स्पीड 3.2 GHz की मिल जाती है। कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन यानी Dimensity 9000 के कंपेयर में परफॉर्मेंस में 5% इंप्रूवमेंट मिल जाता है और GPU में भी 10% इंप्रूवमेंट मिल जाता है। फोन में रैम एनहेंस वर्जन LPDDR5 मिल जाती है और स्टोरेज ओवरक्लॉक वर्जन UFS 3.1 मिल जाता है। साथ में इंडिपेंडेंट डिस्प्ले चिप प्रो प्लस मिल जाती है और इस चिप से आप कई सारी गेम्स में फ्रेम रेट को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि Dimensity 9000 प्लस CPU का पावर कंजम्पशन भी कम होगा और हीट जनरेशन भी कम होगी और बैटरी लाइफ भी बढ़ेगी। अभी फोन में परफॉर्मेंस हाई चाहिए तो कूलिंग सिस्टम भी अच्छी होनी चाहिए। फोन में बिल्ट इन 4013 स्क्वायर mm एरिया VC सोकिंग प्लेट लगी है, विच इज लार्जेस्ट हीट डिसिपेशन एरिया इन द हिस्ट्री ऑफ iQOO Neo सीरीज। साथ में 9 बिल्ट इन टेम्परेचर सेंसर भी लगे हैं जो मोबाइल फोन के टेम्परेचर को एक्यूरेटली डिटेक्ट करते हैं, तो ओवरऑल फोन में परफॉर्मेंस फ्लेक्सिप लेवल का ही मिलेगा। फोन में हाई एंड गेम हाई सेटिंग पे आसानी से खेल सकते हैं। एज पर कंपनी फोन में किंग ऑफ ग्लोरी 1 hour कंटिन्यूस गेम प्ले के बाद भी एवरेज फ्रेम रेट 118 FPS तक मिल जाती है, जो अच्छी बात है। ऑल ओवर परफॉर्मेंस में तो फोन टासू ही है।
आईको नियो 7 में कैमरा की बात करें तो रियर फेसिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहां पे प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 भी कस्टमाइज सेंसर मिल जाता है, जो रेगुलर IMX766 से 5% ज्यादा लाइट कैप्चर करता है, यानी लो लाइट में ज्यादा बेटर फोटोज मिलेंगे और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के सपोर्ट भी करता है। सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है जो 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है और थर्ड 2 मेगापिक्सल का 4 सेंटीमीटर मैक्रो सेंसर मिल जाता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है और कैमरा का इन डेप्थ रिव्यू मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं, सो स्टे कनेक्टेड विद अवर चैनल। आईको नियो 7 में बैटरी की बात करें तो 5000 एमएएच की ह्यूज बैटरी मिल जाती है जो एवरेज यूज पे 1 से 1.5 दिन आसानी से चलेगी। साथ में 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल जाता है और नियो सीरीज में पहली बार पीडी चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, जो अच्छी बात है। बैटरी को 0 to 50% चार्ज करने में 9 मिनट्स लगते हैं और 0 to 100% चार्ज करने में करीब 25 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स लगते हैं। आईको नियो 7 की प्राइस की बात करें तो बेस वेरियंट की प्राइस इंडियन रुपीज में करीब 30,000 से शुरू होती है और हाईएस्ट वेरियंट की प्राइस 37,700 तक होती है। फोन में एक्स्ट्रा एक्सेसरीज की बात करें तो आईको TWS ईयरफोन्स भी मिल जाते हैं, जिसका वेट 3.5 ग्राम है पर ईयर, जो ब्लूटूथ 5.2 के सपोर्ट के साथ आते हैं, जहां पे 25 आवर्स की बैटरी लाइफ भी मिल जाती है। सेकंड एक्सेसरीज आईको लाइटनिंग कंट्रोलर 2 मिल जाता है, जो नए मास्टर टच बैक बटन के साथ आता है और ये ब्लूटूथ 5 को सपोर्ट करते हैं और इसमें 72 आवर्स की बैटरी लाइफ मिल जाती है। थर्ड आईको एक्सट्रीम वाइंड कूलिंग बैक क्लिप मिल जाती है, जो टेम्परेचर को 21 डिग्री तक कम कर सकती है और इस क्लिप में 4 फुल कलर LED लाइट मिल जाती है, साथ में 16 मिलियन कलर इफेक्ट्स भी मिल जाती है। आईको नियो 7 के कंक्लूजन की बात करें तो फोन में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, गेमिंग के लिए इस बजट में बेस्ट फोन है ये। डिस्प्ले भी सुपर मिल जाती है, साथ में कूलिंग सिस्टम भी फ्लेक्सिप मिलती है, बैटरी भी अच्छी है। कैमरा के लिए डेप्थ रिव्यू वीडियो लेके आने वाला हूँ जल्दी, पर इस प्राइस में बेस्ट फोन है ये। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं आईको नियो 7 के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिवअवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग।